मैं जानता हूँ तुम कामयाब इंसान बनना चाहती हो, अपनी फैमिली को गरीबी की उस दलदल से बाहर निकालना चाहती हो जिसे हर रोज देखकर तुम्हारा खून खौलने लगता है, अपनी फैमिली को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हो, खास करके अपने माँ बाप को दुनिया के वो हर खुशी देना चाहते हो जो इस दुनिया में पाई जाती है, चाहे उसकी कीमत जितना भी हो। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या सिर्फ चाह लेने से कामयाबी मिल जाती है? अगर चाहने से कामयाबी मिलती तो दुनिया का हर इंसान कामयाब होता। कामयाब बनने के लिए सैकड़ों रातों की नींद को कुर्बान करना होगा, सिर्फ हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि अगर हार्डवर्क करने से इंसान कामयाब होता तो दुनिया का हर मजदूर कामयाब होता, क्योंकि उनसे ज्यादा हार्डवर्क कोई और नहीं करता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोने के साथ साथ कुछ करना भी पड़ता है। तुम्हें आलसी बना दे ऐसे हर कम्फर्ट जोन को छोड़ना होगा, इंस्टाग्राम की रील्स से नाता तोड़कर किताबों से दोस्ती करनी होगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो फकीर बनाने वाले आदतों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने गोल पर बाज की तरह नजर रखनी होगी और तुम्हारे अंदर उस गोल को और हर सपनों को साकार करने की भूख शेर जैसा रखना होगा। मंजिल के रास्ते में मिलने वाले हर दर्द को खामोशी से सहकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखना होगा। वीडियो के लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूंगा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।